पश्चिमी दिल्ली के विकास नगर इलाके में मेन सड़क पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक चलती मारुति कार में अचानक भीषण आग लग गई। पीड़ित कार सवार के मुताबिक कार में सीएनजी लगी हुई थी और कार में दो लोग सवार थे। तभी अचानक विकास नगर नाले रोड पर पहुंचते ही कार से धुआं निकलने लगा। ऐसे में कार सवार इंजन देखने कार से नीचे उतरे, तभी अचानक कार में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जहां घंटों बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का काम शुरू किया। ऐसे में पीड़ित कार चालक का आरोप है कि शिकायत के घंटों बाद मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठ गया है, जहां राहत देने की बजाय पुलिस पीड़ित से अनेक तरह के सवाल करती नजर आई। यहां ऐसा हुआ, टेंडर मेरा गाड़ी में सॉकेट असर किया है, उसके बाद गाड़ी में आग लग गई, फिर मैंने पानी से बुझाने की कोशिश किया, उसके बाद कंट्रोल नहीं हुआ, तुरंत मैंने फायर ब्रिगेड को फोन किया। कई एक घंटे डेढ़ घंटे के बाद फायर ब्रिगेड एक घंटे के बाद आया है, पूरी गाड़ी जल चुकी था, उसके बाद ही आया है। ऊपर से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हाथ मार रहे हैं कि क्यों ऐसा कर रहा है। बिल्कुल गाड़ी जल के बिल्कुल राख हो गया था, कार्रवाई के नाम पे बिल्कुल जीरो है। और प्लस 100 नंबर पे हमने कॉल किया था, उसके बाद भी वो भी एक घंटे के बाद आए। फिलहाल सूचना मिलने के घंटों बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कार पर पानी डालकर बची हुई आग को बुझाया। वहीं इस आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, साथ ही कार में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सत्य खबर के लिए दिल्ली से शुभ्रत शुक्ला की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।